रेलवे में भर्ती पर 91 से रोक है, स्टेशन खुल रहे हैं, गाड़ी चल रही है, एक भी पद को सृजन नया नहीं किया जा रहा है, नया पद का सृजन बंद है, और नए पद को सृजन किया जाए और उसके ऊपर बेरोजगार नौजवानों को नौकरी मिले और रेलवे को बेचना बंद करें विदेशी ताकतों के हाथ में। अभी भारत सरकार ने तकरीबन 23 स्टेशनों को इंक्लूडिंग चाइना, एक तरफ कह रहे हैं चाइना की मिठाई मत खाओ, चाइना की लाइट मत लगाओ, स्वदेशी जागरण मंच चाइना के खिलाफ बोल रहा है, परंतु ये भारत सरकार जो देश की जनता की चुनी हुई है वो चाइना को अरबों रुपए का काम हमारे देश में दे रहे हैं। हमारा स्टील का कारखाना बंद हो रहा है क्योंकि चाइना ने इतना स्टील हमारे देश में डंप कर दिया है, इसीलिए हमारी रेलवे बिके ना, ये आम नागरिक का सस्ता ट्रांसपोर्ट है, इसको अगर सरकार बेचना चाहेगी तो आने वाले समय में बहुत भयंकर लड़ाई होगी।